कच्चे आम की चटनी तो आपने कई बार खाए होंगे, एक बार मेरी तरीके से आप लोग बना के देखिए, देखिए कितना टेस्टी लगेगा खाने में। उसके लिए पहले आम चाहिए मुझे, और वो आम मैं अपने बागान से तोड़ूंगी। ऐसे यूँ तो मैं ऊपर टॉप पे रहती हूँ, लेकिन मेरे नीचे में जो आम का पेड़ है उसका एक हिस्सा मेरे ऊपर छत पे आती है, जिसे मैं अपने बालकनी और छत से आम तोड़ करके जब चाहे तब मैं चटनी खाती हूँ। इसी से मैं पूरा अचार भी बनाती हूँ, खट्टे मीठे चटनी भी बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है ये आम। देखिए मैं आम तोड़ रही हूँ, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और एक हाथ से मैं आम तोड़ रही हूँ। मैंने आम तोड़ लिया, ज़्यादा नहीं, दो ही आम तोड़े हैं, क्योंकि अभी आम ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। और ये सारा सामान है मेरा जो आम के चटनी में चाहिए। सबसे पहले मैंने आम को धो करके छील करके उसे पीस पीस काट लिया है। जिस शेप में आप लेना चाहते हैं उस शेप में आप काट सकते हैं। इसके साथ मैंने हल्दी ली है, नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार दीजिएगा, काला नमक भी दे सकते हैं, साथ में ये सफ़ेद नमक भी देना है। 8 से 10 कली लहसुन है जिसे मैंने छील लिया है, एक प्याज है, प्याज को जिस शेप में काटना चाहते हैं काट सकते हैं, ये लाल मिर्च है, आप हरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं इसमें, या लाल मिर्च गोटा को भून करके भी यूज कर सकते हैं। ये सभी सामान मैं चटनी में डालूँगी। अब मिक्सी जार में मैं एक एक करके सारे सामान को डाल देती हूँ। पहले मैंने आम डाल दिए, इसके बाद मैं उसमें हल्दी, चुटकी भर ही, ज़्यादा नहीं देना है, बस आधा चम्मच चुटकी भर देना है, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च, आप हरी मिर्च भी दे सकते हैं इसमें, मैंने लाल मिर्च ही दिया है सिर्फ, क्योंकि ये थोड़ा तीखा भी है इसलिए मैंने सिर्फ लाल मिर्च यूज की है। प्याज है, एक प्याज दी हूँ। अब बिना पानी के मैं ढक्कन लगा करके, कवर लगा करके उसे चला दी। देखिए मेरा अच्छे से पीसा रहा है, आप दरदरा भी पीस सकते हैं, लेकिन मेरे घर में दरदरा नहीं पसंद करते हैं, इसलिए पूरा मैं इस तरह से पीसती हूँ, और पूरा महीन भी नहीं है। देखिए मेरा कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब इस चटनी को आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, आलू पराठे, रोटी, चपाती, जिस किसी के साथ भी आप खाना चाहें, चावल के साथ भी खाना चाहें, बहुत अच्छे लगते हैं। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।